ये देखिए करिए ताजमहल के दीदार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। इसके लिए हमने अटेंडम प्लान बनाया था हम जो है इसको दोबारा देखा, गेट बैक साइड से भी सेम है, ये इसका फ्रंट में देखा था वैसा ही बैक में है, जस्ट लाइक ताजमहल के अंदर। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है वो हमारी ट्रिप है, ट्रिप एक ऑर्गेनाइज करी है हम लोगों ने झांसी से आगरा। तो हम लोग जो है आगरा जाने वाले अपनी गाड़ी से। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ रास्ते में बात करेंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम ताजमहल, और एक हमने गाइड हायर किया है, 300 रुपये ले रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। ये रहे भैया, ये पूरा सब कुछ बताएंगे। अभी हम लोग जिस गेट से एंट्रेंस कर रहे हैं, इस गेट का नाम है ये, इसके ये आपका वीआईपी एंट्रेंस गेट है। 18 ये पिक्चर देख रहे हो आप लोग, ये ब्रिटिश लेडी लेडी डायना, ये फर्स्ट फॉरेन गेस्ट थी और फर्स्ट वीआईपी गेस्ट थी जो ताजमहल विजिट करने आई 1884 में। उसके बाद से जितने भी सेलिब्रिटीज या वीआईपी थे वो गेट को प्रेफर करते हैं, लेस क्राउड रहता है, यहाँ पर भीड़ कम रहती है और सबसे कम चलना पड़ता है गेट में। और जितने भी सेलिब्रिटीज या वीआईपी थे वो गेट को प्रेफर करते हैं। मेन रीज़न है लेडी डायना, क्योंकि फर्स्ट वीआईपी गेस्ट और फर्स्ट फॉरेन गेस्ट ये थी लेडी डायना। ये बैठे, ये प्रिंस चार्ल्स की वाइफ थी, ये 1884 में आई थी इस टाइम की। आइए हम लोग ताजमहल को और पिक्चर देखते हैं, ताजमहल का जर्नी, ताजमहल बेटर एंड बेटर कैसे होता है। यहाँ से ताजमहल की पिक्चर हैं, कैसे बेटर होता गया ताजमहल। ये 1947 के बाद का पिक्चर है जब हम लोगों को आज़ादी मिली। पहले क्या, हम लोग अलाउड नहीं होते थे बिल्डिंग्स में, ब्रिटिशर्स का एक स्लोगन था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड जी। तो जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो लोगों ने अपनी खुशी आकर जाहिर करी ताजमहल, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। चलो अब चलेंगे हम आगे। ये देखिए अब जो है कलर, ये कलरफुल टाइम पीरियड में हम लोग एंट्रेंस कर चुके हैं। ये 2018 का लेटेस्ट पिक्चर है, नाउ ताजमहल एग्जैक्ट कैसा है। 50 रुपीज़ जो टिकट है वो आपकी नीचे की है, ऊपर 200 बढ़ जाता है मॉजोलियम का। अंदर जाके आप लोग क्या करते हो, शाहजहां मुमताज का ग्रेव देखते हो। सेंटर में जो स्मॉलर टूम है वो क्वीन मुमताज का है, उसके बाजू में जो बड़ा वाला वो किंग शाहजहां का। आइए आगे, ताजमहल आपका 1631 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ। ताजमहल को बनने में 22 इयर्स का टाइम पीरियड लगा, 20,000 वर्कर्स ने वर्क किया, जिसमें 16,000 स्किल्ड लेबर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, और जो इंडियन लेबर थी रिमेनिंग वो अनस्किल्ड लेबर थी, वो सामान उठाने के लिए थी, गुड्स को ऊपर चढ़ाती थी और नीचे रखती थी। अभी हम लोग जिस गेट से एंट्री करेंगे, ये ताजमहल का बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड था वो वाटर साइड से था, क्योंकि 450 ईयर्स बैक जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो था आपका सी रूट सिस्टम। ये क्या बैक साइड है, गवर्नमेंट ने इसको वेल मेंटेन कर दिया और फ्रंट साइड बना दी। ये 450 ईयर्स में जो भी डैमेजेस हुए हैं गवर्नमेंट इसको रिनोवेट करती है, 365 डेज रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क चलता रहता है, जिसकी वजह से ताजमहल इससे पर छोटा मोटा काम होता है वो चलता रहता है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा, ताजमहल गेटिंग येलोइश, तालाब ताजमहल क्या पीला पड़ता जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। आगरा जो बेसिकली फेमस है वो लेदर के लिए फेमस है,
जितनी भी लेदर फैक्ट्री थी सबको 2011 के बाद में सिटी से आउटसाइड शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने ताजमहल की वजह से। दूसरी चीज़, जितना भी पॉल्यूशन वाला व्हीकल था वो अब नहीं अलाउड होता। पहले आप लोगों की गाड़ी ताजमहल तक आती थी, अब नहीं आती। उसका रीज़न है ताजमहल। ताजमहल को क्लीन किया गया है फर्स्ट टाइम 2011 में मुल्तानी मिट्टी से। ये है उसका पिक्चर, जूम करके एक क्ले को अप्लाई करने के बाद का पिक्चर है, उसके बाद का पिक्चर है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर क्या नेचुरल हर्ब्स होती है, जिससे क्या मार्बल की शाइनिंग नहीं जाती है। इसको सिंगल टाइम वाइट बिल्डिंग को क्लीन किया गया 2011 में। उसके बाद से जितनी भी लेदर फैक्ट्री थी सबको सिटी से आउटसाइड कर दिया। दूसरी चीज़, जितना भी पॉल्यूशन वाला व्हीकल था वो ताजमहल तक अलाउड नहीं होता, इसलिए हम लोग ई रिक्शा चाहें। आगे आइए, आगरा में विजिट करने के लिए प्लेसेज है। फतेहपुर सीकरी का है, यह आपका आगरा फोर्ट है, यहाँ से 5 किलोमीटर फार है फतेहपुर सीकरी का है। यह अकबर टूम सिकंदरा है, यहाँ से 15 किलोमीटर फार है। एजमाद दौला यहाँ से 10 किलोमीटर फार है। मरियम टूम है, ये भी सेम 15 किलोमीटर फार है। ये मेहता बाग है ताजमहल का बैक साइड एरिया, यहाँ से जो भी टूरिस्ट फ्राइडे वाले दिन आते हैं वो लोग टूरिस्ट लोग वहाँ से देखते हैं ताजमहल बैक साइड से। ये आपका राम बाग है, ये बाबर ने बनवाया था अपने। ये चीनी का रोज़ा, ये भी आगरा में, ये आगरा में विजिट करने के प्लेसेज हैं। इतने सारे चीज़ें जो बता रहा है गाइड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कैसा है माहौल। ये जो पीछे देख रहे हैं ये ईस्ट गेट है, यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। अभी हम लोग सब लोग आ गए। बहुत भीड़ लगती है, अभी तो टाइम हो गया लेकिन सुबह से यहाँ 6 बजे से ही भीड़ लगना चालू हो जाती है और सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। ये क्या है? अभी जिस एरिया से अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं इसको फोरकोर्ट एरिया बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में ये क्या सर्वाइव क्वार्टर था। अच्छा, उस टाइम पीरियड में डोर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड में कर्टेन से डेकोरेटेड थे। अच्छा, ये टोटल 310 रूम्स थे पूरे ताजमहल के इनसाइड। 20,000 लेबर में से मेन आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, उन लोगों के लिए रूम थे पूरे ताजमहल के इनसाइड। और जिस एरिया से भी हम लोग विजिट कर रहे हैं इसको फोरकोर्ट बोलते हैं। आइए, फोरकोर्ट यहाँ पर 4 मेन एंट्री गेट से 4 गार्डन है। ओके, ये रहा गार्डन, ये 4 गार्डन है। दो इस साइड है, दो इस साइड हैं, दो उस साइड है, इसलिए इसको फोरकोर्ट एरिया बोलते हैं। अभी हम उसी रूम्स में हैं जहाँ पे जो सर्वेंट वगैरह यहीं रहते थे। ये देखिए हम अंदर से आ रहे हैं, क्या व्यू आता है देखिए, गजब। असल लोग हम लोग घूम रहे हैं ताजमहल। हमने तो सोचा था कि पोपट हो जाएगा हमारा। यहाँ आने से पहले लग रहा था कि हम जो है पहुंच नहीं पाएंगे, ताजमहल देख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया था, बट एक गाइड मिल गया तो उस वजह से जो है हम लोग टाइम से आ पाए। ये क्या आइडेंटिक पॉइंट भी है ताजमहल के अंदर फोटोग्राफी के लिए। उस टाइम पीरियड में ये क्या रूम्स थे, उस टाइम पीरियड में इनमें सर्वेंट्स रहते थे, जो मेन आर्किटेक्ट मेन इंजीनियर थे उन लोगों के लिए रूम्स थे। और ताजमहल के अंदर पेन पेंसिल कॉस्मेटिक आइटम स्प्रे नहीं लगाने देती है गवर्नमेंट, लोग क्या इसको डैमेज कर रहे हैं, अपने नाम लिख देते हैं आप दुकान को। ये देखिए अगर ताजमहल के अंदर आए तो ये गंदी हरकतें नहीं करनी, ये नाम लिखा है ये गंदा कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। बैड इमेज जाती है हमारे इंडिया की, बैड इमेज जाती है और विदेशों में ये देखिए नाम लिख देते हैं, फिर अच्छा नहीं होता। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ताजमहल में क्या ये फोटोग्राफी के एंगल होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, क्या डेमो पीसी का पर फोटो ऐसे आता है। यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं 50 रुपीज पर फोटो का चार्ज, 60 बड़े का छोटे का 50 साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 60 रुपी पर फोटो का चार्ज लेते हैं कराने आपको। ये देखिए बहुत, ये सेकंड मेन एंट्रेंस है, इसको बोलते हैं वेस्ट गेट। ये कॉमन एंट्री गेट है, सबसे ज़्यादा इस गेट से चलना पड़ता है और लोकल क्राउड इधर ही से आता है। फर्स्ट मेन एंट्रेंस गेट है जिससे अभी हम लोग एंट्री करके हैं, उसका नाम है ईस्ट किडेरा। इससे लेस क्राउड विजिट करता है, जितने भी सेलिब्रिटीज VVIPs है उसी गेट को प्रेफर करते हैं। थर्ड मेन एंट्रेंस है आपका साउथ गेट, लेबर गेट, जो 4,000 इंडियन लेबर थी रिमेनिंग उस गेट से एंट्री करती थी, इसी गेट से एग्जिट करती थी उस टाइम पीरियड में। फोर्थ मेन एंट्रेंस गेट है आपका रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा। ये सेकंड लार्जेस्ट गेट है आपका, फर्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, सेकंड ये इसकी 105 फीट हाइट्स है।
इसके ऊपर अरबिक लेटर्स देख रहे हो आप लोग, जैसे गीता में श्लोक होते हैं वैसे ये मुस्लिम का होली बुक है कुरान, उसका अरबिक लेटर्स लिखे हुए हैं। कुरान के अंदर 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस में तो कुछ पेजेस रिटन है ताजमहल के इनसाइड और आउटसाइड। ये जितना भी पेंटिंग वर्क देख रहे हो ये पेंटिंग नहीं है, ये सब क्या जेम स्टोन्स लगे हैं इसके अंदर। इस वर्किंग स्टाइल को मुजाई बोलते हैं। 450 ईयर्स बैक ये वर्क आपका टर्की का फेमस था, इन प्रेजेंट ये वर्क आपका आगरा का फेमस। जिस लाइन पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं इस लाइन की तरफ घूम रही है, क्या सेंटर लाइन है ताजमहल का। इस लाइन से खड़े होकर देखते हो आप, आगे आ जाइए सेंसर से देखिए, आपको गेट से ताजमहल नज़र आएगा। देख रहे आप लोग गेट से, ये मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द ताजमहल है। बाकी ये दोनों एंट्री गेट है, ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट है रॉयल गेट। सेकंड क्वालिटी इस गेट की ये है, दोनों साइड से सेम है, जस्ट लाइक मिरर। जैसे शीशे में अपने आपको देखते हैं जी, राइट हैंड शो करते हैं तो लेफ्ट दिखता है, वर्चुअल इमेज होती है, एक रियल होती है शीशे की तरह। इसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड सिमिलर है। आइए अंदर चलते हैं ताजमहल। ये जो कार्विंग स्टाइल देख रहे हो ये डायमंड कटिंग है, इस बार वर्किंग स्टाइल को कार्विंग बोलते हैं। टॉप पर जो दे रखा है ये देख रहे होंगे, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। इधर इनको कलरफुल स्टोन्स और दिखा दो एक बार, लोग समझते क्या है ये पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, क्या है जेम स्टोन को कट करके इसके अंदर फिट किया गया। आगे देखिए पूरा जो है यही स्टाइल किया गया है, पूरा स्टोन्स लगे ये कटिंग करके। आइए ये देखिए गेट ऑफ द ताजमहल है, तो बोलते हैं रॉयल गेट से एंट्री करते हैं आप लोगों को डायरेक्ट ताजमहल का दीदार होगा। इस गेट से हम एंट्री करेंगे तो हमेशा हमें ताजमहल का डायरेक्ट दीदार हो जाएगा। देखिए क्या गजब व्यू आ रहा है, ये क्राउड देखिए, क्राउड कितना है। ये स्टार्टिंग व्यू ऑफ द ताजमहल है, ये भी सनसेट का टाइम है, देखो ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है। आ जाओ आइए, ये देखिए करिए ताजमहल के दीदार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। इसके लिए हमने अटेंडम प्लान बनाया था हम जो है इसको दोबारा दिखाओ, गेट बैक साइड से भी सेम है, ये इसका फ्रंट साइड है। और ये देखिए जैसा हमने फ्रंट में देखा था वैसा ही बैक में है, जस्ट लाइक ताजमहल के अंदर वैसा ही गेट है, जस्ट लाइक मिरर, जैसा बाहर है जैसा ही अंदर है, सेम टू सेम। और ये देखिए ये फुब्बारे चलते होंगे, हाँ चलते हैं अभी, क्या है थोड़ा रिनोवेशन वर्क वगैरह चल रहा है सफाई वगैरह के लिए, इसलिए इस टाइम में बंद है। अच्छा अच्छा वर्क करते हैं। ये देखिए बरसात और हो जाती तो मज़ा आ जाता बिल्कुल, लेकिन बरसात तो नहीं हो रही, गर्मी है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है, अगर हल्की हल्की बरसात होती तो और मज़ा आ जाता, मौसम एकदम सुहाना होता। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं डायना पॉइंट पे, क्योंकि ये सर्वप्रथम डायना जो हैं वहीं बैठी थी, वो देखिए वो दिख रहा है बस स्टार्टिंग में लेडी डायना ने वहाँ से पिक्चर लिया था। इस टाइम पीरियड में जितने सेलिब्रिटी या जितने भी गेस्ट है वो आते हैं। ताजमहल का क्या है सेंट्रल टैंक है, इसके बैक साइड क्या वाटर है उसके अंदर क्या ताजमहल का रिफ्लेक्शन आता है। अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी वहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह के जितने भी सेलिब्रिटीज है, वेल नोन प्लेस है। आगरा में ताजमहल में आते हैं तो ताजमहल में आएंगे जब तक सेलिब्रिटी नहीं माने जाएंगे, जब तक स्पॉट से पिक्चर नहीं लेते। स्टार्टिंग करी थी इसकी लेडी डायना ने। आइए इधर क्या क्राउड रहता है, ये जो देख रहे हैं ये सीटिंग, वो देख रहे हैं सामने पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है ताजमहल का। भीड़ लगती है यहाँ पे, कार्ड नंबर सिस्टम लगता है, भीड़ बहुत होती है, नंबर लगता है। ये देखिए सब फोटो खिंचवाने वाले ही खड़े हैं, जब नंबर आएगा तभी यहाँ खड़े होके बैठ के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं इधर, ये देखिए ये साइड का व्यू है, ये देखिए लिखा हुआ है सामान्य टिकट धारकों के लिए ये रूट, उच्च मूल्य टिकट धारकों के लिए ये रूट। ये मेरी पूरी फैमिली, ये म्यूजियम है ताज का म्यूजियम, उस टाइम पीरियड का ये मेन सोर्स ऑफ वाटर हम लोग कुआं कहते हैं, जिसको कुआं गांव में कुआं कहा जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे।
ये अब तो ये उस टाइम पीरियड में कुछ नहीं है, खाली सिर्फ रह गया नीचे उसके, काफ़ी बहुत गहरा है ये, खाली है अभी तो, जाली लगी हुई है बंद है ये, यहाँ पे जो पुली लगा के और पानी खींचते होंगे। ताजमहल के दोनों साइड इधर सामने दिखा दो, ताजमहल के दोनों साइड इसको बोलते थे वाटर सप्लाई पैलेस, वाटर सप्लाई पैलेस है इसको बोलते थे जेल महल। उस टाइम पीरियड में क्या है, आजकल तो मशीनरी है तो फाउंटेन क्या है मशीनरी से वर्क करता है, उस टाइम पीरियड में मशीनरी नहीं थी तो डैम की तरीके से पानी को स्टोर करके रखते थे। उस टाइम पीरियड में जब राजा महाराजा लोग आते थे तो दोनों साइड से ड्रम बीट हुआ करती थी। उस साइड भी दिखा दो, उस साइड भी ये वाटर सप्लाई पैलेस है, ये दोनों साइड सेम टू सेम बना हुआ है, टू सेम बना हुआ शीशे की तरह बिल्कुल, लेफ्ट और राइट का फर्क है बस, ये लेफ्ट और राइट, राइट पानी को प्रेस जूम करके दिखाओ इन लोगों को, वाइट पार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लो आप, ऊपर डोम दिख रहे हैं आप लोगों को, ये टोटल 11 डोम फ्रंट है, 11 डोम बैक साइड है, ये टोटल क्या पैरेलल लाइन है, टोटल 22 डोम्स हैं। ये क्या है, 450 ईयर्स बैक कैलेंडर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस टाइम पीरियड में, तो ये न्यू आइडिया आपके टर्की से आया था, वन ईयर का वर्क डन होता था, काम कंप्लीट होता था, एक डोम बना देती, जैसे आजकल हम लोगों के पास कैलेंडर है तो हम लोग दिन को तारीख को क्या अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, हमें इस जगह इस तारीख में इस शादी में जाना है, उस जगह जाना है, तो कोई भी फंक्शन होता है हमारे यहाँ तो पहले कैलेंडर में दिन देखते हैं, तारीख देखते हैं, फिर उसके बाद पूरा पक्का करते हैं कि इस तारीख को हमें इस जगह ये फंक्शन कर रहा है। उस टाइम पीरियड में तो था ही नहीं ताजमहल, टोटल 22 डोम्स हैं, 22 ईयर्स में ये बना था, इसलिए 11 फ्रंट है 11 बैक साइड है, क्या पैरेलल लाइन है, इसको मिडिल से खड़े होकर देखोगे तो नहीं नजर आएगा इस तरीके, जैसे मेरा हाथ है सेंटर से देख लो, जब आप साइड से आओगे तो बैक साइड से भी आपको दिखेगा इस तरीके से बना है, गेट दोनों साइड से सिमिलर है। ताजमहल का जो टोटल हाइट है टॉप से लेके बॉटम तक तो 73 मीटर से, फीट में आओगे तो 243 फीट है, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी आपका ताजमहल टॉलर है। ताजमहल बड़ा है सर, आप बताइए कि कुतुब मीनार बड़ा है, कुतुब मीनार बोलते हैं बड़ा है, कुतुब मीनार हाइट के हिसाब से तो कुतुब मीनार देखने में लंबा लगता है ना। अभी ये क्या ताजमहल का बैक साइड है, इसका जो फ्रंट साइड है वो है वाटर साइड से, उस साइड से आप देखोगे हम लोग क्या अभी हिली रहे पे खड़े, इसका बैक साइड से जो इसका लैंड का हाइट है वहाँ से देखोगे तब लगेगा आपका ताजमहल कुतुब मीनार से टॉलर है। अच्छा, यही रीज़न है आप लोग अगर ऊपर जाते हो, ऊपर टोम देखने अगर विजिट करते हो, ऊपर जाके आपको ऊपर वाला डोम व्यू नहीं होगा, ताजमहल इतना बड़ा हो जाता है, इसका एक लेटर इतना बड़ा है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। ये फ्लोर डिज़ाइन देख रहे हो आप लोग, इस पर भी हम लोग वॉक करके आए पेंटागन शेप में, मिडिल में आपका ताजमहल एस्टेब्लिश्ड है, इसको आप फोर साइड से विजिट करते हो ताजमहल सेम लगता है। ये ताजमहल का क्या आर्टिफिशियल मॉडल है, इसका फ्रंट व्यू इसका जैसा हम ताजमहल को फ्रंट से देखते हैं ताजमहल सिमिलर लगता है सेम फॉर ऑल साइड, क्योंकि ताजमहल का एक 3D इमेज है और सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, फोर साइड से सिमिलर है। ये मिनारेट्स का क्या है, जैसा आप देखो आपको तीन मीनार दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 फोर्थ वन मिनारेट क्या है हाइड हो गया है, उसका रीज़न क्या है, इल्यूजन है, ताजमहल उतना ही बड़ा है लेकिन देखने में ऐसा लगता है हमें। अब आगे चलते हैं, हमने किताबों में पढ़ा था बस उतनी ही नॉलेज थी, लेकिन जो गाइड से यहाँ अगर हायर करते हैं तो गाइड जो है हमें पूरी जानकारी दे देते हैं कि क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है और कैसे बना, कितनी हाइट है, सब कुछ जो है। अब हम लोगों ने पढ़ा था तो भूल गए, लेकिन गाइड को क्या है, गाइडों को याद रहता है, गाइड्स जो है बताते रहते हैं, कई लोग आते रहते हैं इनके पास। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, जो नीचे अभी हम लोगों के कैसे 60 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, ये वहाँ से लाया गया, ये पेंटागन शेप में फ्लोर डिज़ाइन है, ये ताजमहल का क्या आर्टिफिशियल मॉडल है, तो उस टाइम पीरियड में 3D में सिमेट्रिकल बिल्डिंग एक नई चीज़ थी, तो उनके आर्किटेक्चर्स ने क्या आर्टिफिशियल मॉडल ड्रॉ कर दिए रोड्स का। मैं तो यही सोच चुका था कि आज देख ही नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे, आगरा पहुँचे ही नहीं थे हम लोग, लेकिन भैया मिल गए तो इन्होंने जो है टिकट वगैरह सब करवा दिया, मेरा टिकट लगा था 50 रुपये पर पर्सन, करते हो तो 45 रुपीज़ है, वैसे लेते हो आप विंडो से या टिकट विंडो से उसका 50 रुपीज़ चार्ज है, अगर आपको ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है पर टिकट पर। आप अपने जो है अपने मोबाइल से भी फ़ोन से ESI पेयू मनी करके साइट है जिससे आप लोग ताजमहल का टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, इससे आपको दो चीज़ों का बेनिफिट होता है, पहली चीज़ आप लोगों को 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है, दूसरी चीज़ आप लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता ना वेट करना पड़ता किसी का, क्योंकि अभी तो नॉर्मल टाइम है कोविड की वजह से, अभी क्या है ज़्यादा टूरिस्ट विजिट नहीं कर रहे, वरना एक डेढ़ घंटा आप लोगों को 1.5 आवर आपको टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना जाना पड़ता। आइए इधर से ताजमहल को देखते हैं हम लोग, ताजमहल के 4 मीनारेट से 0.6 डिग्री बैंड है आउटसाइड, हल्के से तिरछे मार की तरफ, एक एक मीनार देखेंगे कॉन्स्टेंटली हल्का सा तिरछा दिखेगा बाहर की तरफ, देखिए दिख रहा है आपको हल्का सा टेढ़ा लग रहा है बाहर की तरफ, झुका हुआ था हल्का सा, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, स्ट्रेट है ना बाहर की तरफ, इसका रीज़न ये है बनाने का, इन फ्यूचर का भी सुनामी वगैरह आती है, अर्थक्वेक वगैरह कोई भी चीज़ आती है, पहली चीज़ एक तो 4 टावर्स है, इसको हैवी बिल्डिंग है, इसके हैवी पार्ट को बैलेंस करते हैं,
दूसरा रीज़न इनको बाहर आउटसाइड इसलिए बनाया, इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक या सुनामी वगैरह आती कोई भी चीज़ स्ट्रेट होगी ऐसे डाउनफॉल होगी, जिससे ये मेन बिल्डिंग जो मेन ताजमहल है वो है आपका। वन ईयर में उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, 16 ईयर लगा उस वर्क को डेकोरेट होने में। ताजमहल सिमिलर फॉर ऑल साइड है, ताजमहल आपका स्वर्ग की तरह डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल। कोई भी चीज़ हम वाइट चीज़ के साथ कंबाइन करते हैं खूबसूरत लगती है ना, इसलिए उसके अंदर जितने भी जेम स्टोन लगे ये वेदर के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है। जब सनराइज़ करता है अर्ली मॉर्निंग तो लाइट पिंक कलर का दिखता है वाइट मार्बल ऑटोमेटिक, क्योंकि मार्बल क्या है ट्रांसपेरेंट है। इवनिंग टाइम नून टाइम अभी देखो आपको लाइट येलो लाइट गोल्डन कलर दिख रहा होगा, थोड़ा सबको जूम करके दिखाइए लेफ्ट साइड का भी हल्का सा लाइट येलो दिख रहा होगा हम लोगों को। और शेडी पार्ट में स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं तो इधर लाइट क्रीम दिख रहा है, इसका जो एक्चुअल कलर है वो नाइट में आता है वो है मिल्की वाइट कलर नाइट में, और इसका कलर जो निखर के आता है मिल्की वाइट कलर में और अच्छा लगता है। और जितना भी इसके अंदर स्टोन्स लगे, इसके अंदर एक स्टोन है जिसको रूबी कॉर्नियल बोलते हैं जो यमन का स्टोन है, वो क्या मून की लाइट में ग्लो करता है। आप कभी अंदर जाएंगे तो जैसे दरगाह वगैरह पे खादिम लोग होते हैं, जैसे मथुरा वगैरह में पंडित लोग होते हैं पंडित जी वो आपको पूजा वगैरह कराते हैं, सेम वो लोग क्या करते हैं आपको लाइट शो दिखाते हैं अंदर, जिससे आर्टिफिशियल मेथड से आप देखते हो कि स्टोन किस तरीके से ग्लो करता है नाइट में। तो गाइस इतनी सारी जानकारी हमारे गाइड ने आप लोग को दी और हमें दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे ऐसे ही आने वाले प्यारे प्यारे ब्लॉग आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते।